हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डाउनलोड वॉलपेपर हम कैसे सेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे और सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे जाना है और इस वाले ऑप्शन पे जाना है लाइव वॉलपेपर पर। यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर जाएंगे और भी ऑप्शन हैं यहाँ पर, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई सा भी सेट कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे ये सेट करना है। इसको सेट करने के लिए क्या करना होगा, अप्लाई पर क्लिक करना है और अप्लाई पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपसे दोबारा अप्लाई का ऑप्शन मांगेगा, दोबारा अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, होम एंड लॉक स्क्रीन। तो किस पर आप सेट करना चाहते हैं डाउनलोड वॉलपेपर, तो मैं अपनी दोनों स्क्रीन पर सेट करना चाहता हूँ, तो होम एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देता हूँ और मेरा ये सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड वॉलपेपर सेट हो गया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।